हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप जिस चैनल को देख रहे हैं इस चैनल का नाम भी मोहम्मद काशिफ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस चैनल पर व्लॉग लेकर आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। पर अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर व्लॉग्स को बनाता रहूं और वीडियोस को इस चैनल पर डालता रहूं। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूं जबलपुर शहर में। मध्य प्रदेश के बीचों बीच में ये शहर है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के बीचों बीच में ये शहर मौजूद है। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया के कुछ शहर टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन जबलपुर उस तरीके से फेमस नहीं है। पर यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए अच्छी जगह मौजूद हैं, तो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो इस वाटरफॉल के पास जैसे जैसे आप आते जाएंगे, आपको इसकी आवाज़ वैसे वैसे सुनाई पड़ती रहेगी। और हम लोग जबलपुर में सबसे पहले जहाँ पर आए हैं, इस जगह का नाम है धुआंधार वाटरफॉल, और काफ़ी दूर से आपको इसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी पानी गिरने की। तो चलिए देखते हैं कि कैसा यहाँ का नज़ारा है। दोस्तों, जबलपुर इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड सिटीज़ में से यहाँ पर टूरिस्ट और शहरों के मुकाबले काफ़ी कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी शानदार घूमने की जगह मौजूद हैं, जो आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलती रहे। इस शहर में आने की एक और वजह, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस तो अच्छे अच्छे हैं ही, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती। पहुँच चुके हैं इस वाटरफॉल के पीछे, आपको ये वाटरफॉल दिख रहा होगा। अभी हम इसके एकदम पास चलेंगे और वहाँ पर फिर देखते हैं कि कैसा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस झरने के पास पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपको इसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। 90 फीट की ऊंचाई से ये पानी गिरता है काफ़ी तेज़ रफ्तार से, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुएं टाइप में आपको नज़र आने लगता है, इसीलिए इस झरने का नाम धुआंधार झरना पड़ गया है। तो यही है, चारों तरफ काफ़ी नेचुरल माहौल है और चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने हमें दिख रही हैं और कुछ पेड़ लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस झरने को पास से, क्योंकि अब हम इसके काफ़ी पास आ चुके हैं। और जब एंट्री हुई थी तो हमें टूरिस्ट काफ़ी कम दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसके नज़दीक आए हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। पर फिर भी आपको उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेंगे जितने ज़्यादा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आपको मिलते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जबकि ये जगह डिज़र्व करती है पॉपुलरिटी को। तो अगर आपको सुकून वाला माहौल पसंद है और फिर भी आपको ट्रैवल करना भी पसंद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इस शहर में आएँ और 2-3 दिन गुजारें, आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, सेल्फी पॉइंट्स नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल इतनी अच्छी अच्छी जगह फोटो क्लिक करवाने के लिए कि आपको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ जाएगा फोटो क्लिक करवाने में। बस आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा सा एडवेंचर करना पड़ेगा। जैसे कि इस नदी के बीच में छोटी छोटी चट्टाने और पत्थर हैं, जिनमें फ़ोटो खींचने का काफ़ी अलग मज़ा है और काफ़ी अच्छी फोटोज़ हमारी क्लिक हो रही हैं, इसीलिए हम इनमें चलते हैं और कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक करवाते हैं। दोस्तों, ऐसी नेचुरल खूबसूरत जगहों पर आकर एक फीलिंग ज़रूर आती है, और वो है मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग। शाश्वत काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी क्लिक हो गई हैं और अब इनका सोशल मीडिया अकाउंट ढेर सारी फ़ोटोज से भरने वाला है। तो अब हम लोग चल रहे हैं केबल कार के ऊपर, जो आपको पीछे लाइन से तार दिख रहे होंगे, इसी वाटरफॉल के ऊपर से गुजर के जाते हैं। तो उन्हीं केबल कार में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे इन सब एडवेंचर को करने का शौक बहुत है, लेकिन इनसे काफी डर भी लगता है। हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और ये काफी नॉर्मल चीज है लोगों के लिए, लेकिन मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है। और इसमें वो क्या कहते हैं उसको, जो एरोप्लेन में होता है, टर्बुलेंस भी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हमारी पहुंचने वाली है रूप अपने डेस्टिनेशन पर।
दोस्तों हमारा ये रोपवे का सफर कंप्लीट। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए तो जबलपुर की इस जगह पर घूमने जरूर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल जाएगा और काफी एडवेंचर की चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो धीरे धीरे अगले व्लॉग्स में आपको या फिर इसी व्लॉग में देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने का आपको शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।